मेरा नाम संजीव कुमार, शाहपुर बेगू। सबसे पहले तो ये है जी, हमें आज 15-16 महीने हो गए जी। हम पहले भी आए थे, 7-8 महीने पहले सीएम इंडो भी लगाई थी हमने। हम डीसी साहब को मिलते हैं तो डीसी साहब कहते हैं डीआरओ साहब करेंगे, डीआरओ साहब को मिलते हैं तो डीआरओ साहब कहते हैं एफसीआर करेंगे। आज 16 महीने हो गए, ना तो कोई केसीसी बनती है, ना कोई ब्लड रिलेशन रजिस्ट्री होती है, ना कोई ज़मीन की लिमिट होती है जी। अब मान लो ये भाई हैं हमारे सुखविंदर सिंह जी, इनकी ज़मीन की हाजिरी लुक चुकी है, इनों के फादर साहब ने इनके ज़मीन नाम करवानी है जी, ये इनके नाम नहीं हो रही जी। हम इतने दुखी हैं कि हमें तो लगता है जी हम जंगल राज चल रहे हैं, जंगल राज में रह रहे हैं जी। कोई भी अफसर अपना काम करके राजी नहीं है जी। जमाबंदी बनने का कोई टाइम पीरियड होता होगा, महीना होगा, 2 महीना होगा, आज 16 महीने हो गए जी। इसलिए हमें चाहे गिरफ्तार होना पड़े, चाहे हमें सीएम साहब को काले झंडे दिखाने पड़े, हम इस बार विरोध करेंगे जी। आज 16 महीने हो गए जी, नेट 16 महीने। हमारी प्रशासन से सख्त नाराजगी है जी, हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। हाँ जी, हाँ जी, डट के विरोध जिताएंगे जी। कितने लोग आपके विरोध में? हम हमारा लगभग सारा गाँव लेके आएंगे, सारा गाँव, 3-4 गाँव सारे आएंगे जी। 3-4 गाँव? हाँ जी, हाँ जी। 3-4 गाँव कौन कौन से होंगे सर? बेगू, नेजिया, अली मोहम्मद, अरनी अली। क्या नाम है बाबू जी आपका? भजन लाल जी। क्या कहना चाहोगे, क्यों रजिस्ट्री नहीं हो रही, क्या वजह है? ये तो सरकार को पता क्यों बंद कर रखी है। आपको अधिकारी क्या जवाब देते हैं जब आप? हाँ, ये भाई साहब ने जो जवाब दिया है इसको, एक तो सारे लोगों को भी ये बड़ी सरकार माड़ी है, इनको वोट ना दो, एक वोट भी ना दो, इतनी माड़ी है। मेरी सरसों अब घर में पड़ी है, टोकन कट्टा पड़ा है, ये कुछ ऐसे होता है किसान साथ? 2 रुपये भाई के देने कैसे दे देंगे, किसी को लेना देना है? ये कोई बात थोड़ी है इनकी, अन्नी बैरी सरकार बाबू जी, तो कोई सुनती नहीं किसान की। तो अरेस्ट भी करेगी आपको? तो यार कमाल होगी, मैं तो तैयार ही बैठा हाँ, वेल नहीं है, मैं था और की चाहिए है, मैं तो कहूँ कर लेना, कोई डर नहीं है। इस वास्ते सर, जनता वास्ते, काम वास्ते तो तैयार बैठे हैं। पूरा पूरा गांव प्रोटेस्ट करेगा? मैं कहना लेडी भी ले आएंगे। चलो भाई बैठो, बात थोड़ी कोई है। सुखविंदर सिंह जी, 17 महीने से रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, सभी के काम बंद पड़े हैं। अधिकारी मानते नहीं हैं? अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी बस वही मीठी गोली दे के रोज तोड़ देते हैं बस। मतलब विरोध की रणनीति बना रहे हैं, सभी डट के विरोध करेंगे। सभी 3-4 गाँव हैं, सभी मिलेंगे, उनको बुलाएंगे। सभी 3-4 दिन हो गए हमें लगे हुए भी, सभी को इकट्ठे करते हुए। पहले भी हमें बहुत किया, बहुत आदमियों को किया, इकट्ठे हुए हैं, पर सभी मतलब कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आप प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहेंगे ताकि विरोध की भी नीति बंद हो जाए और काम भी आपका हो जाए, ऐसा कोई अल्टीमेटम देना चाहेंगे, कुछ समय देना चाहेंगे प्रशासन के पास? प्रशासन को समय बहुत दे चुके हैं, 16 महीने दे चुके हैं जी। अब तो आवर पार की है ये। वो तो सरकार ने गुगी मारनी, 1-2 अक्षर ही लिखने ला भी इनकी रिटी करो सरकार है। मारती तो नहीं सरकार? हाँ, नहीं मारती, उनकी मर्जी भाई, हर एक काम का तरीका होता है। अब मान लो डीसी साहब सिरसा के मालिक हैं, उनको पता है, कानगो पटवारी साहब रिपोर्ट कर दें, अगर कोई डाउटफुल रकब है वो ना करें। जो मान लो बेगू से बाजे का रोड है, बेगू से नेजिया रोड है, बेगू से मिल्क प्लांट रोड है, उनसे पटवारी या कानगो से रिपोर्ट करवाई जाए। इन्होंने जंगल राज बना रखे है जी, रजिस्ट्री का कोई तो हक होता है। 16 महीने हो गए जी आज, 16 महीनों से रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। मान लो किसान भाई कहाँ जाएंगे, किसी ने अपनी लड़की की शादी करनी है, किसी ने अपने बेटे की शादी करनी है, कोई और मंडी का लेन देन करना है, किसी ने कोई सौदा बेचना है, कहाँ जाएंगे जी सारे? हाँ जी, सब ठप्पड़ है जी, 16 महीने हो गए जी। और कम से कम मेरे को अफसरों की समझ नहीं आती भी कानगो पटवारी डीसी साहब डीआरओ साहब किस लिए लगा रखे हैं जी। अगर ये इनको लगा रखा है, सैलरी किस चीज़ की देते हैं इनको? अगर इनको सैलरी देते हैं, इनको अपने काम का पता होना चाहिए भी, ये हमारा काम है, हमने करना है। नहीं तो आज बेगू गांव के लोग ही हो आप सारे? हाँ जी, हाँ जी, बेगू गांव के आज सारे जी। कल हम बेगू, नेजिया, अली मोहम्मद सारे बेगू में इकट्ठे होंगे जी। कल कितने बजे इकट्ठा होंगे? हम कोशिश है हमारी कल 11-12 बजे सारा गांव इकट्ठे होंगे जी। हम उसके बाद आगे रणनीति? आगे की रणनीति यही है हमारी, काले झंडे दिखाएंगे जी इनको।